हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नगमा और मैं आज आपको बताने वाली हूं कि आप घर बैठे हेयर स्ट्रेटनर से सैलून जैसे बाल खुद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने अपने बालों को अच्छे से कंडीशनर और शैम्पू कर लिया है और आयरन से मैं अपने हेयर को स्ट्रेट करूंगी। तो सबसे पहले आप अपने कंडीशनर और शैम्पू के बालों को पहले सेक्शन में डिवाइड कर लें। ये स्टेप करना आप बिल्कुल भी ना भूलें, वरना जो कर्ल और स्ट्रेट हेयर दोनों मिक्स हो जाएंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपके बाल घने हैं तो आप और भी ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड करें, और आयरन यूज़ करने से पहले आप बिल्कुल भी स्प्रे या एलोवेरा जेल यूज़ करना ना भूलें। तो मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया बालों को। उसके बाद में मैं थोड़े थोड़े से बालों को, ज़्यादा नहीं लेना है, अगर आप ज़्यादा बालों को लेंगे तो वो अच्छे से स्ट्रेट नहीं होगा। आपको थोड़े थोड़े हेयर लेने हैं, ना बहुत ज़्यादा लेने हैं ना बहुत कम लेने हैं। और इस तरह से आप एलोवेरा जेल या स्प्रे जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, वरना बाल आपके जल भी सकते हैं। तो इस तरह से मैंने थोड़े हेयर लिए हैं। उसके बाद में मैं, और जल्दी बिल्कुल भी ना करें, बहुत आराम से करना होता है, तो मैंने ऐसे एलोवेरा जेल लगा लिया है। उसके बाद में मैं ऊपर से नीचे की ओर प्रेस करूंगी, और एक जगह बिल्कुल भी ना रुकें। अगर आप एक जगह रुकेंगे तो बाल जलने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इस तरह से आप ऊपर से नीचे की ओर लाते रहें, और एक लेयर में आप दो से तीन बार करें, तभी बहुत अच्छे से आपके स्ट्रेट होंगे। मेरे हेयर बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, तो इस तरह से मैंने दो से तीन बार किया है। और एक जगह पर बहुत ज़्यादा देर रुकना नहीं है, अगर आप रुकेंगे तो आप एयर चल सकते हैं। आप कोई अच्छा स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप कोई स्प्रे नहीं यूज़ कर रहे हैं तो एलोवेरा जेल भी यूज़ करें। और लेकिन विदाउट एलोवेरा जेल या स्प्रे डायरेक्टली आप एयर यूज़ ना करें। और एक बार में जो है बाल स्ट्रेट नहीं होते हैं, तो दो से तीन बार आपको एक लेयर पे करना ही करना है। उसके बाद में मैं अपने सेकंड स्टेप पे, एलोवेरा जेल लगाने के बाद में मैं अपने सेकंड स्टेप पे भी इस तरह से कर रही हूँ, और बहुत धीरे धीरे करना है आपको, बहुत जल्दी नहीं करनी है क्योंकि ये काम बहुत आराम से होते हैं। मैंने दो लेयर पे कर लिया है, और जब आप कर लें तो जितने लेयर आप करते जाएं उसके ऊपर भी सारे बाल लेकर भी एक बार स्प्रे को चला लें ताकि मिक्स होते जाएं। तो इस तरह से मैं डिवाइड कर करके एक एक लेयर पे अच्छे से कर रही हूँ। मेरे हेयर जो है बहुत घने नहीं है, तो मैं इस तरह से इतने ही स्टेप किए हैं मैंने, और मैं थर्ड लेयर में एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। बहुत आराम से करना है आपको, बहुत जल्दी नहीं करनी है, ये काम जो होते हैं ना बहुत आराम से होते हैं, और एक दो बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत ईजली हो जाते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ये लेयर कंप्लीट होने के बाद में मैं जो अपना ऊपर वाला फ्रंट वाला पोर्शन है मैं उस लेयर पर भी करूँगी।
तो सेक्शन डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट के पॉइंट पे 2 से 3-4 बार करें ताकि अच्छे से स्ट्रेट हो जाए हमारे हेयर, तभी वो सैलिन जैसे लगेंगे। उसके बाद में जो अपने ऊपर वाले हेयर हैं उनको ओपन कर लिया है मैंने, और इस तरह से मैं उसमें एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। और जो फ्रंट के बाल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रंट के हेयर होते हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा अच्छे से करना है ताकि जो हमारा जो हेयर स्ट्रेटनिंग का वो है तो वो अच्छा दिखे। तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे हेयर आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।